हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जीपैट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। और उस रिजल्ट को देखने के लिए आपको नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी NATBoard.edu.in पे जाना है। और जैसा कि देख रहे हैं, मैंने वेब पेज ओपन किया है, यहाँ पे साइड में पब्लिक नोटिस आ रहा है जिसको व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। इसमें पहला ही नोटिस 8/7/2024 रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपैट 2024, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा और उसी पीडीएफ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये 8 जुलाई का पीडीएफ यानी 8 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें पहला लिखा गया जीपैट 2024 का आयोजन 8 जून को किया गया था, जो मास्टर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश यानी एमफॉर्म पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप करने के लिए किया गया था। यानी ये जो एग्जाम है, जब आप एमफॉर्म में एडमिशन लेंगे तो एमफॉर्म में एडमिशन लेने के लिए स्कॉलरशिप का है। सेकंड जो है पे लिखा जीपैट 2024 का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है, जिसमें उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक और जीपैट 2024 का रैंक दर्शाया गया है। और ये रिजल्ट आप देखेंगे कहाँ, इसके लिए इन्होंने वेबसाइट दिया है कि यहां पर देखा जा सकता है, और एक नीचे लिंक भी दिया है। अगर आप देखें, क्लिक हियर टू व्यू द रिजल्ट ऑफ जीपैट, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक और पीडीएफ ओपन होगा, और इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो यहां पे देखने को मिल रहा है। ये पूरा पेज अगर आप देखें तो 271 पेज का है, जहां पे आपको अपने एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर के हिसाब से आपको अपना स्कोर और जीपैट स्कोर आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे देखें, एप्लीकेशन आईडी आपको मिलेगी, एप्लीकेशन आईडी के बाद रोल नंबर, स्कोर जो आउट ऑफ 500 है, और जीपैट रैंक आपको मिल रहा है। तो यहां पे आप अपना रिजल्ट सर्च कर सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी जाके आप इसको देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ उसी के लिए दिया गया है, ये सारी चीजें दी गई है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि दो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन फाउंड टू बी टेक्निकली इनकरेक्ट, ये दो क्वेश्चन इनकरेक्ट पाया गया था। और अगर आपको फाइनल अपना आंसर की देखना है तो यहां से आप क्लिक करके अपना फाइनल आंसर की भी देख सकते हैं। और जो जीपैट स्कोर की वैलिडिटी है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या जीपैट स्कोर की वैलिडिटी होगी। तो यहाँ पे वैलिडिटी जो वैधता है जीपैट स्कोर की, वो 3 वर्षों के लिए होगी। तो ये एक नोटिफिकेशन आ चुका है, जीपैट का स्कोर आ गया है। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ये डिसाइड करना है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अब आगे डिक्लेयर करेगी कि स्कॉलरशिप जो आपको मिलने वाली है उसका क्या सिस्टम होगा, कैसे वो स्कॉलरशिप देंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू मिलेगी, क्योंकि जो ये वेबसाइट जो आपका एनएटी बोर्ड था, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनिंग अथॉरिटी थी, एग्जाम कराने का पर्पज था। स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है अब वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपको मिलेगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू।